अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और इस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू हैक पीडिया। और आज मैं आपके सामने एंड्रॉयड प्रोडक्टिविटी ऐप सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक और एप्लीकेशन बताऊँगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी में मददगार साबित होगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे भी जाना होगा, और बिना प्ले स्टोर के भी आपके फ़ोन में वो प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेकिन उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ले चलता हूँ आपको फू व्यू के पास, जो प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन है, और ये एक फ्लोट व्यू है, जैसे कि मेरे फ़ोन में दिया हुआ है। मेरा स्टॉक जो है स्टॉक रोम है MIUI 8, और ये रेडमी यानी शाओमी डिवाइसेस में पहले से इम्प्लीमेंट किया गया। पर क्या हो अगर आपके पास ये डिवाइस नहीं है और ऐसे ही कुछ फंक्शंस आप चाहते हैं अपने फ़ोन में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। अब मैं बता दूं कि ये कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है। अगर आप इसके फ्लोटिंग व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रीसेंट, मेन्यू, टॉर्च, लॉक, स्क्रीनशॉट और बैक जाने का ऑप्शन मिलेगा। तो इंस्टेंटली ये वो टास्क परफॉर्म करता है जो मेरे टॉगल्स में यहाँ पे मुझे बार बार क्लिक करना पड़ता है, ऊपर नीचे करना पड़ता है, वो सीधा यहाँ पे मैं उन्हें डायरेक्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे ही फ्लोट व्यूअर आपको चाहिए तो आप फू व्यू डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से फ्री है। और उसके बाद इसे जस्ट ओपन कीजिए और कुछ बेसिक परमिशंस दीजिए, जैसे स्टार्टअप सेटिंग्स में नन देता हूँ, इनेबल फ्लोटिंग विंडो ओके, परमिट कर दिया हमने इसे भी, इनेबल एक्सेसिबिलिटी के फू व्यू पे चलते हैं और इसे हम एक्सेसिबिलिटी भी यहाँ से दे देते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जो आपके फ़ोन की परमिशंस को एक्सेसिबिलिटी के बाद ही कम्प्लीटली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना इन परमिशंस के ये रन नहीं करेगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे जो मेरे पास फ्लोटिंग व्यूअर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इसे मैं करने जा रहा हूँ रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं सॉरी, इसके टास्क हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जैसे मैं इसको कहीं पे लेके जाता हूँ, तो ये रहा, मैं लेके गया इसे और मार्च पे ड्रैग कर दिया। तो अब जो ये फ्लोटिंग विंडो में यहाँ आ गया मार्च, तो इसने इंस्टेंटली उसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये मार्च रिटर्न है और मार्च 1। तो अब जो है यहाँ पे आपके पास इसका स्क्रीन शॉट है, आप इसे के बारे में सर्च कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इस पर डूडल ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत कुछ। अब इसके अलावा जैसे मैं इसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, इस पे मैं गया, ट्रांसलेट पे मैंने क्लिक किया और इसे ये मुझे बता देगा कि मार्च को हिंदी में कैसे या क्या कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसलेशन को देख रहा है और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका ट्रांसलेशन किस लैंग्वेज में क्या है। तो यहाँ जो है मार्च ही कहते हैं हिंदी में भी, लेकिन इसका शुद्ध मार्च में कुछ और कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे टास्क है, जैसे अगर आप इसे दबा के रखेंगे तो यहाँ पे आप इंस्टेंटली इसमें शो लाइन, हाइड आइकॉन, ऑल ऐप सब देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है जो मैंने पिन किया कर रखा है ताकि मुझे आसानी हो जब मैं उनमें जाना चाहता हूँ। जैसे मैं अमेज़ॉन पे जाना चाहता हूँ, मैं अमेज़ॉन पे क्लिक करूँगा और अमेज़ॉन में एंटर हो जाऊँगा। ठीक इसी तरह से आपके पास यहाँ और कुछ ऑप्शन है, जैसे पोजिशन, आप इसे कहाँ रखना चाहते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी वहाँ उसे रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप पिन कर सकते हैं ऐप्स जैसे कि मैंने किए हुए हैं, और यहाँ पे फुल स्क्रीनशॉट, आपके स्क्रीनशॉट आपका फ़ोन का ले लेगा जिस वर्किंग होम स्क्रीन पे आप काम कर रहे हैं। फिर आप डूडल ड्रॉ करना चाहते हैं कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, और उसके बाद उसे सेव कर दें। ठीक है, तो सेव करने के बाद यहाँ पे और भी कई सारे टास्क है, जैसे आप मल्टीपल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरा फेवरेट फीचर, जैसे ये मैंने लिया पहला स्क्रीनशॉट, इसके बाद ये लिया मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट, फिर लिया मैंने तीसरा स्क्रीनशॉट, फिर मैं वर्क कर रहा हूँ कैलकुलेटर के अंदर, मैंने यहाँ पे कुछ परफॉर्म किया वो भी मैं क्लिक लेता हूँ स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे टिक पे क्लिक करते ये एक सिंगल इमेज में सारे मल्टीपल स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। तो ये जो है सबसे बेस्ट फीचर है इस प्रोडक्टिविटी का, कि आप जितने भी काम कर रहे हैं, आप जितने भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्टेंटली आप उसका एक ही इमेज पे सारे पिक्चर कैप्चर लेना चाहते हैं तो वो आप इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर है, रीजनल स्क्रीन रिकॉर्डर है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग हो रहा है, वरना वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसे ऊपर करने से यहाँ पे इसका एक फू व्यू फ्लोटिंग व्यूअर आ जाता है, जिसमें आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, फेवरेट एप्लीकेशन इंस्टॉल, देख सकते हैं कितना डेटा आपके SD कार्ड या इंटरनल मेमोरी में बचा है, और क्या आपके फ़ोन की स्टोरेज डिटेल्स है, वगैरह वगैरह। तो इंस्टेंटली इसमें जो सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी चीज़ मुझे लगा वो यही है
कि इसमें आप आसानी से पिन कर सकते हैं अपने फेवरेट एप्लीकेशंस, यहाँ पे उसे पोजीशन कर सकते हैं, इंस्टेंटली अपने डेटा को चेक कर सकते हैं, रिमोट मैनेजर यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आप किसी भी डेस्कटॉप हो, लिनक्स, विंडोज़, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के मदद से इस वेबसाइट पर विजिट करके अपने फ़ोन के डेटा को एक्सेस कर सकें। सो आई होप आपको ये प्रोडक्टिविटी एपिसोड पसंद आया हो। ये एक सिंगल एप्लीकेशन है, बिल्कुल मस्त है, फ्री है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू डू, डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, एंड फॉर मोर टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू डिडंट येट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।